नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देश अनुसार संपूर्ण थाना पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में विशेष संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना उसराहार पुलिस द्वारा खरगुआ अंडरपास सर्विस रोड पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 17 नवंबर 2021 को थाना क्षेत्र के गांव ग्राम बदनापुर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल सहित चैपला की तरफ से आ रहे हैं। उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा सघनता से चेकिंग की गई। चेकिंग की जाने लगी चेकिंग के पुलिस टीम को चैपला की तरफ से दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनके संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो उक्त मोटरसाइकिल चालक द्वारा पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल को पीछे की ओर मोड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी एवं आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मोटरसाइकिल सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से दो अवैध चाकू बरामद किए गए एवं थाना उसराहार पर पंजीकृत कर मुकदमा अपराध संख्या 231/21 धारा 379 से संबंधित चोरी की हुई मोटरसाइकिल हीरो आई स्मार्ट स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उसराहार से गौरव शाकी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज।